नमस्ते जी, फिर हाजिर है एक मजेदार रेसिपी लेकर। हैप्पी सॉल्ट। आज बनाएंगे इस मौसम की एक खास रेसिपी। होली आने वाली है और मौसम में गर्मी बढ़ने लगी है। इससे पहले कि गाजरें मार्केट से गायब हो जाएं, इनसे बनाएंगे एक खट्टा सा चटपटा ड्रिंक, जिससे आपका मूड और पेट दोनों ही इस बदलते मौसम में बिल्कुल बढ़िया रहेंगे। आइए देखते हैं गाजर की कांजी की रेसिपी। कांजी पीने में जितनी स्वाद होती है, सेहत को भी उतना ही फायदा पहुंचाती है। ये पेट के लिए और पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही अच्छी है। कांजी को आप ऐसे ही पी सकते हैं या फिर इसका इस्तेमाल गोलगप्पे के पानी की तरह भी कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कांजी बनाने के लिए एक कांच का या चीनी मिट्टी का बड़े मुंह वाला बर्तन लेंगे। स्टील या प्लास्टिक का बर्तन इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे कांजी का टेस्ट खराब हो सकता है। कांजी मिट्टी के घड़े में भी बनाई जा सकती है। अगर आप घड़े का इस्तेमाल करें तो उसे पहले एक दो दिन पानी भरने के लिए इस्तेमाल कर लें, उसके बाद उसमें कांजी बनाएं। बर्तन बड़े मुंह वाला इस्तेमाल करें ताकि उसमें गाजरें और दूसरे इंग्रेडिएंट्स डालने में आसानी हो और कांजी हिलाना भी आसान हो। ये जार 3 लीटर का है, तो मैं उसी हिसाब से आपको कांजी के प्रोपोर्शंस बताऊंगी। 3 लीटर कांजी के लिए हम लेंगे 3 मीडियम साइज की गाजरें। ये 450 ग्राम गाजर है। गाजरों का प्रोपोर्शन इस हिसाब से रखें कि 1 लीटर पानी के लिए कम से कम 100 ग्राम गाजर हो। गाजर जितने गहरे रंग की होगी, कांजी का रंग उतना ही अच्छा आएगा। वैसे तो कांजी काली गाजरों से बनती है, पर काली गाजरें हर जगह आसानी से नहीं मिलती, इसीलिए हम गाजरों के साथ एक बीट या चुकंदर का इस्तेमाल करेंगे। बीट से कांजी का रंग गहरा हो जाएगा और स्वाद भी ज्यादा अच्छा आएगा। ये 100 ग्राम बीट है। गाजर और बीट को अच्छी तरह धोकर छील लेंगे। गाजरों को मैंने 2 से 2.5 इंच लंबे टुकड़ों में काट लिया है। वैसे तो आप अपने हिसाब से गाजर और बीट को किसी भी तरह काट सकते हैं, लेकिन अगर टुकड़े थोड़े से बड़े हों तो इन्हें कांजी के साथ खाने में ज्यादा मजा आता है। और अगर आप कांजी सर्व करते वक्त इन्हें अलग करना चाहें तो बड़े टुकड़े आप बिना छाने ही आसानी से निकाल सकते हैं। गाजर के पतले टुकड़ों को ऐसे ही रहने दें और जो टुकड़े थोड़े से मोटे हैं उन्हें 2 या 4 हिस्सों में लंबा काट लें। बीट को भी इसी तरह थोड़े से बड़े लंबे टुकड़ों में काट लेंगे। मैंने बीट और गाजरों को काट कर अलग रख लिया है। अब जो कंटेनर हमने लिया था उसमें बीट और गाजरें डाल देंगे और साथ ही इसमें डालेंगे 3 लीटर पानी। कांजी में पानी और गाजरों का कोई नाप नहीं होता। आप थोड़ा सा ज्यादा पानी भी डाल सकते हैं, पर इतनी गाजरों में 4-4.5 लीटर से ज्यादा पानी ना डालें। अगर आप 3 लीटर से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करें तो नमक और मसाले भी उसी हिसाब से बढ़ा दें। अब इसमें डालेंगे 2 छोटे चम्मच काला नमक, स्वाद के हिसाब से या 1 बड़ा चम्मच नमक, 1 बड़ा चम्मच राई दाल या छिलका निकाल कर कुटी हुई राई। इसे डालने से कांजी में अचार जैसा खट्टापन आता है, पर ये बहुत ज्यादा ना डालें, नहीं तो कांजी बहुत खट्टी हो जाएगी। सभी चीजों को एक बार अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और स्वाद के हिसाब से या 1.5 छोटा चम्मच लाल मिर्च डालकर मिला लेंगे। आप देख सकते हैं कि कांजी का रंग अभी से बदलने लगा है। अब इस पर कॉटन का साफ कपड़ा डालकर रबर बैंड से या धागे से इसे बांध देंगे। कपड़ा बांधने से कांजी को हवा लगती रहेगी और ये जल्दी तैयार होगी। अब इसे किसी साफ सुथरी गर्म जगह पर 3 दिनों के लिए या फिर तैयार होने तक रख देंगे। राई अपना स्वाद छोड़ेगी और कांजी खट्टी होती जाएगी। गाजर और बीट रूट से कांजी में स्वाद आएगा और ये लाल होती जाएगी। आप इसे धूप में भी रख सकते हैं, उससे ये थोड़ा सा जल्दी बन जाएगी, पर धूप में रखना जरूरी नहीं है। और अगर धूप बहुत तेज हो तो कई बार काफी पानी उड़ जाता है। अगर मौसम ठंडा हो तो कांजी बनने में ज्यादा समय लगेगा। कांजी को दिन में 1 बार कम से कम जरूर हिलाएं। रोज हिलाने से गाजरें और मसाले ऊपर नीचे होते हैं तो कांजी जल्दी तैयार होती है और इसके खराब होने का डर भी नहीं रहता। मैंने कल कांजी डाली थी, आज दूसरा दिन है तो मैं इसे हिला रही हूँ। आप देख सकते हैं कि कांजी का रंग बदल चुका है। कांजी को फिर से ढक के रख देंगे। आज तीसरा दिन है, फिर से कांजी को हिलाएंगे। कांजी के ऊपर हल्की सी झाग आ चुकी है। ये इसलिए है क्योंकि कांजी खट्टी होने लगी है। इसमें से हल्की सी खट्टी खुशबू भी आने लगी है। बीट ने रंग छोड़ा है तो इसका रंग हल्का हो चुका है और कांजी का रंग और भी गहरा हो चुका है। इस स्टेज पर कांजी को चख कर देख लें।
अगर इसमें तेज मसालेदार खट्टा स्वाद हो और पानी का कच्चा स्वाद ना आए तो इसका मतलब है कांजी तैयार है। मैंने इसे चखकर चेक किया है, कांजी खट्टी हो चुकी है पर इसमें अभी भी पानी का कच्चा स्वाद है, तो मैं इसे फिर से ढक कर रखूंगी। आज चौथा दिन है, सारी राई फूल कर ऊपर आ चुकी है और कांजी का रंग गहरा लाल हो चुका है। कांजी को एक बार अच्छी तरह हिला देंगे। बीट रूट का रंग और भी हल्का हो चुका है। इसमें से तेज खट्टी अचार जैसी खुशबू आ रही है और इसका स्वाद भी वैसा ही है। मैंने इसे चख कर देख लिया है, इसमें पानी का कच्चा स्वाद भी नहीं है। कांजी बिल्कुल तैयार है। अब इस पर एयर टाइट ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख लेंगे। फ्रिज में इसे 8 से 10 दिन तक स्टोर किया जा सकता है। कांजी तैयार हो जाने के बाद इसे तुरंत फ्रिज में रख दें, नहीं तो ये और खट्टी होती जाएगी। कांजी ठंडी हो तो ज्यादा स्वाद लगती है। गाजर और बीटरूट के टुकड़ों को कांजी के साथ सर्व करें या फिर इन्हें सलाद में इस्तेमाल कर लें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।